आज हम सीखेंगे कैसे एक पीडीएफ फाइल को ब्लॉगर पे अपलोड किया जाता है। तो इसके लिए हम ड्राइव यूज़ करेंगे। माई ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये विंडो ओपन हुई है, इसमें न्यू का ऑप्शन आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। ड्राइव के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो ये न्यू का ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी, और इस विंडो में हमें फ़ाइल अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे साथ में एक ओपन हुई है विंडो। इसमें हमने अपनी जो फ़ाइल है पीडीएफ, उसको सर्च करना है। मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है, और ये CS410 एंड आउट्स, ये पीडीएफ फाइल में अपलोड करना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अपलोड हो चुकी है, तो इसके लिए हम इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू विंडो ओपन हुई है। इसमें थर्ड नंबर पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसमें हमने बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम पे एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू विंडो ओपन होगी तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि हु हैज़ एक्सेस, तो यहाँ पे आपने चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे पब्लिक ऑन द वेब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेव कर लेना है सेटिंग को। इसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपने दोबारा राइट क्लिक करना है ऐसी फाइल पे, और प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है वेरी फर्स्ट, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। तो इस विंडो के बिल्कुल राइट साइड पे ये स्टार्ट में तीन डॉट्स बने हुए हैं, इस पर आपने राइट क्लिक करना है तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। हमने बेसिकली न्यू विंडो में जाना है, तो ये सेकंड लॉस्ट में आप देखेंगे ओपन इन न्यू विंडो, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। बेसिकली हम यहाँ से कोड लेंगे फाइल का, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीडीएफ की सूरत में ओपन हो गई है फाइल। राइट क्लिक करने के साथ न्यू विंडो में आप बिल्कुल सेकंड लास्ट में आएंगे तो एम्बेड आइटम लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। आपके पास एक कोड आ जाएगा, इस कोड को सिलेक्ट ऑल करना है, कॉपी करना है और अपने ब्लॉग पे वापस चले जाना है। ब्लॉग पे आएंगे तो ये बिल्कुल ये देखें न्यू पोस्ट, स्टार्ट में न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप देखेंगे कि ये कंपोज लिखा हुआ है, इसके साथ बिल्कुल HTML लिखा हुआ है। HTML पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी कोड दिया हुआ है, इस कोड के नीचे आपने वो कोड पेस्ट करना है जो आप वहाँ से कॉपी करके लाए थे, और इसके बाद आपने इसको कंपोज करना है। कंपोज के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके साथ आपने पोस्ट टाइटल देना है CS410 एंड आउट्स, और इसके साथ आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह आपकी पीडीएफ फाइल ब्लॉगर पे सेव हो चुकी है, और आप इसको व्यू करने के लिए व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्लॉग पे ओपन हो जाएगी पीडीएफ फाइल। ये आपके पास आ रहा है कंटेंट वार्निंग के इस पे आपने क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड, आई विश टू कंटिन्यू। ये आपका ब्लॉग ओपन हो चुका है, और ये आपके ब्लॉग के ऊपर आपकी पीडीएफ फाइल शो हो रही है। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।